नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बाजू के बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली राशि के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक और मिथुन राशि के जोड़ी के बारे में। मिथुन और वृश्चिक दोनों राशियों के बीच के आपसी रिश्ते काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि वाले मजे में रहने वाले लोग होते हैं, जबकि वृश्चिक राशि के लोग हर चीज़ के बारे में तेज प्रखर होते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में वे दोनों ही पूर्ण दृष्टिकोण के चलते एक दूसरे के प्रति मोहित होते हैं, लेकिन बाद में समय में उनके यही भिन्न दृष्टिकोण गंभीर मुद्दों में बदल सकते हैं। हालांकि अपने भिन्न दृष्टिकोणों को मिश्रित कर लेना उनके लिए एक लंबे समय में लाभदायक हो सकता है। मिथुन राशि के लोग हमेशा बदलते रहते, वे लगातार आगे बढ़ते रहते और अपने विकल्पों को परखते रहते हैं। वे इतने तेजी से गति करते हुए एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जाते हैं कि उन पर नज़र रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रयोग और अनुभव वह दबाए हैं जो मिथुन राशि के लोगों के लगातार चलते रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। वे बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति होते हैं, जिनकी बदलती मनोदशा को लेकर कभी कभी सावधानी बरतनी पड़ती है। या तो लोग उन्हें चैन की बंसी बजाती हुए देख सकते हैं, या फिर चिड़चिड़ाते रवैये में गुस्सा करते हुए वे चीज़ों के लिए यहाँ वहाँ भटकना बहुत पसंद करते हैं। और इसी के साथ ही उनकी आज़ादी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मिथुन राशि के लोग स्वाभाविक तौर पर धारा प्रवाह और बोलने में तेज होते हैं। उनके शब्द महज कुछ हरकते मात्र होती है, जिनका इस्तेमाल वे अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने या उनसे मीठी मीठी बातें करने के लिए करते हैं। वे लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वे कभी भी गलत और अनिश्चित तरीके से नहीं सोचते हैं, और ऐसा करने में वे काफ़ी हद तक सफल भी रहते हैं। वृश्चिक राशि के लोग जो कुछ करते हैं उसमें अत्यधिक तीव्र और प्रखर होते हैं। वे बहुत जिद्दी और आत्मनियंत्रित तो होते ही है, साथ ही साथ वे अपने जीवन को खुद ही शासित करते हैं। वे अवसाद में नीचे डूब सकते हैं या फिर परमानंद की नशीली ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। वर्चस्व वाले वृश्चिक राशि के लोग लगातार ताकत की तलाश में घूमते रहते हैं और उन लोगों के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं जो कि उनके प्रति वफादार होते हैं। वे लगभग असंभव लग रही स्थितियों में भी जीत हासिल कर सकते हैं। वे मजबूत, रहस्यमय, तेज और काफ़ी प्रखर व्यक्ति होते हैं। वे अपने बारे में कोई भी गहरी बात कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं, और अगर उन्हें किसी बात को रहस्य, सीक्रेट रखने को कहा जाता है तो वे उस बात को मरते दम तक रहस्य ही रखते हैं। वे अत्यधिक चालाक और निरीक्षक दिमाग वाले जुनूनी लोग होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग लगभग हर स्थिति को खुद ब खुद संभल सकते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से अंधविश्वासी होते हैं। इसलिए वे मिथुन राशि के लोगों और घुमक्कड़ स्वभाव के अंदर सीधे तौर पर झांक सकते हैं। वे अपने दिन को लगातार बदलते हुए विचारों पर चर्चा करते हुए नहीं बिता सकते हैं। दूसरी ओर मिथुन राशि के लोग बड़ी आसानी से वृश्चिक राशि के लोगों से पकने लगते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के लोगों को तो बस हर परिस्थिति में एक ही तरह का व्यवहार करना आता है। मिथुन राशि के लोगों को बदलाव की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिदिन हर घंटे और यहाँ तक कि हर क्षण उत्तेजित रहने की आवश्यकता होती है। अपने जीवन में इस तरह की गुणवत्ता के अभाव में मिथुन राशि के लोग कभी भी खुश नहीं रहते हैं। वे जन्म से ही उत्सुक और जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जिनमें नकल और कल्पना करने का गुण होता है, और यह गुण ही उनके लिए चीज़ों जीवंत बनाए रखता है। यद्यपि उनमें एक विचार, एक दोस्ती, एक रिश्ते या एक प्रोजेक्ट पर अंत तक टिके रहने का गुण नहीं होता है, उन्हें किसी भी नई और ताज़ा चीज़ों को चुनने एवं उस पर खुद जाने के बारे में
कभी भी दोबारा नहीं सोचना पड़ता है। और उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने अपने पिछले पड़ावों पर क्या रायता फैलाया है, क्योंकि वे विचार तो तब तक मिथुन राशि वालों के मन में बासी हो चुके होते हैं। हालांकि अगर संयोगवश मिथुन और वृश्चिक राशि के लोग एक साथ मिलकर अपना संसार बसा लेते हैं और किसी भी रिश्ते में लिप्त हो जाते हैं, तो उन दोनों के बीच में वफादारी की एक भावना रहती ही है। इस रिश्ते में पैदा हुआ मोहक आकर्षण हमेशा उत्सुक रहने वाली मिथुन राशि के लोगों के अपने घुमक्कड़ रास्ते पर रोक देता है और उन्हें यह देखने को मजबूर करता है कि आखिर वो क्या है जो उन्हें इतना अलग महसूस कर रहा है। वृश्चिक राशि के लोगों को जिंदगी की चीज़ों को करने के लिए अपना समय लेना पसंद होता है। उनका शांति चित्त रवैया मिथुन राशि के लोगों और उनकी तेज गति वाली हरकतों को परेशान करता है। भले ही वृश्चिक राशि के लोगों में मिथुन राशि के लोगों के कुछ चरित्र लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि ऊर्जावान रहना, बेचैनी, तनाव या व्यग्रत, लेकिन वे कभी भी दूर से भी इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। वृश्चिक राशि वालों की बढ़ी हुई असुरक्षा की भावनाएं और आशंकाएं केवल दूसरे के प्रति विश्वास और आश्वासन में वृद्धि के रूप में दिखाई देती है। हालांकि मिथुन राशि के लोग एक खुली किताब की भांति होते हैं। कोई भी जो उन्हें अच्छी तरह से जानता हो यह आसानी से बता सकते हैं कि वे कब आश्वस्त और निष्ठावान है, और इसी के साथ ही वह यह भी बता सकता है कि वे कब अपनी सबसे अच्छी चीज़ की तलाश में जाने को तैयार है। एक भाई बहन, दोस्त और सहकर्मी होने के नाते वे दोनों आपस में आमतौर पर एक सरल रिश्ता बनाते हैं, जिसमें वे जो चीज़ों भी एक साथ करते हैं उनमें वृश्चिक राशि के लोगों का अपर हैंड होता है। एक रिश्तेदार होने के नाते वे कभी भी किसी गहरे रिश्ते में नहीं बनते हैं और आमतौर पर पारिवारिक समारोह को छोड़कर वे कभी भी एक दूसरे के आमने सामने पड़ने से बचते हैं। अगर मिथुन राशि के लोगों की बुद्धि और वृश्चिक राशि के लोगों की सहन शक्ति का अच्छे से एक साथ उपयोग किया जाए और वे दोनों ही अपने बीच की बुनियादी बहसों और अंतरों के पीछे छोड़ सके, तो इन दोनों राशियों चिन्हों के बीच एक बिजनेस वेचर अच्छे से चल सकता है। इन दोनों के बीच के रोमांटिक रिश्ते को एक सरल रिश्ता नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर वे दोनों चाहते हैं कि उनका यह आपसी रिश्ता लंबे समय तक चलता रहे, तो उनको पहले अपने बीच के कई गंभीर मसलों को सुलझाना पड़ता है। मिथुन और वृश्चिक राशियों के माता पिता अपने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा समय व्यतीत करते हैं, जिसमें वे शुरुआत में थोड़ा सख्त और बाद में एक अच्छे दोस्त बनते हैं। यद्यपि मिथुन राशि के लोग चीज़ों के प्रति अपने दृष्टिकोण को लेकर एक खुली किताब की तरह होते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के लोग कभी भी अपने दृष्टिकोण के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते हैं। वृश्चिक राशि वालों के दिलों की गहराइयों में कुछ ऐसे रहस्य सीक्रेट्स दबे होते हैं, जिनको उनके सबसे करीबी रिश्ते भी कभी नहीं जान पाते हैं। और जब वृश्चिक राशि के लोगों को इस बात का एहसास होता है, तो इससे वे अत्यधिक असहज और बेचैन हो जाते हैं। इसी के साथ ही मिथुन राशि के लोगों की बात करने की कला, जो कभी भी गपशप की दुनिया में तब्दील हो जाते हैं, काफ़ी रिजर्व्ड स्वभाव वाले वृश्चिक राशि के लोगों को परेशान करते हैं। मिथुन राशि के लोगों की अपनी स्वभाव में स्नेह और गर्मजोशी की कमी वाली प्रतिष्ठा और उनके वफादार होने का गुण, ये दोनों मिलकर इतनी अपूर्ण विशेषताएँ होती है जो कि उन्हें किसी भी रिश्ते में वृश्चिक राशि के लोगों का एक घटिया साथी बनती है। वृश्चिक राशि के गहरे और काले रहस्य मिथुन राशि के लोगों के साथ हमेशा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के लोगों की संदिग्ध प्रकृति
और उनकी दूसरों पर हावी रहने की प्रवृत्ति मिथुन राशि के लोगों को चिड़चिड़ा बना देती है। मिथुन और वृश्चिक राशि के लोगों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो उन्हें शुरुआती तौर पर एक साथ लाए, क्योंकि वे जो रुचियाँ जीने के तरीके और रास्ते अपनाते हैं वे सब एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न होते हैं। एक रिश्ते में इन दोनों को सही दिशा में रखने के लिए कुछ बाहरी मदद की जरूरत होती है, जैसे कि कोई समारोह, परिवार या बिजनेस। वे जब भी आपस में टकराते हैं तब चिंगारियाँ तो उड़ती ही है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।